हेलो फ्रेंड, मैं सरिता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, जो कि हम रवा ढोकला बनाने वाले हैं। और ये बहुत ही आसान तरीकों से बन जाती है, घर के ही कुछ सामानों से ही बनती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें फ्रेंड। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सूजी या रवा का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसे सेमोलिना भी कहते हैं। सबसे पहले इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में इसका फाइन पाउडर बनाएंगे। इसके लिए आपके पास जो भी अवेलेबल है वो रवा आप ले सकते हो, चाहे मोटा वाला या बारीक वाला, कोई भी आप रवा ले सकते हो। बस इसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में रख के फाइन पाउडर बना लीजिएगा। ये देखिए, एकदम फाइन पाउडर मैंने बना लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं हम, इसमें ये रवा डाल देंगे, साथ ही इसमें दही ऐड करेंगे। इसी कटोरी से हमने दो कटोरी लिया था ये सूजी, रवा जिसे कहते हैं, और उसका ठीक आधा मेजरमेंट लेना है दही का, ये भी इसमें हम डाल देंगे। इसके साथ ही ये मिर्ची और अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे इसमें। इन सबको हम मिला लेंगे और जरूरत के हिसाब से इसमें हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। बैटर काफी थिक होगा, एकदम पतला बैटर नहीं तैयार करना है हमें। और इस तरह से हम मिला लेंगे इसे, ये देखिए ठीक इस तरह से। 10 मिनट के लिए हम ढक के साइड में रख देते हैं ताकि ये रेस्ट होता रहे, तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए ये देखिए ड्राई रोस्ट है पीनट्स, मूंगफली इसे हम डाल देंगे इसमें, साथ ही धनिया पत्ता इसे भी इसमें हम डाल देंगे, मिर्ची आप जितना तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से डाल दीजिएगा। और साथ ही देखिए एक चम्मच इसमें हम दही डाल रहे हैं ताकि इसका क्रीमी टेक्सचर आए इसलिए। इसके साथ ही देखिए आइस क्यूब डालेंगे, इससे धनिया पत्ता का कलर वैसा ही रहेगा, ग्रीन एकदम कलर चेंज नहीं होता है आइस क्यूब डालने से। और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे, ढक्कन बंद करके अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा क्योंकि हमने आइस क्यूब भी डाला है, साथ ही हमने दही भी डाला है। और ये देखिए फ्रेंड, हमारा चटनी बनके तैयार हो गया है और इसका कलर कितना परफेक्ट है। आइस क्यूब डालने से यही होता है कि कलर चटनी का चेंज नहीं होता है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए इसे हमने अलग बॉल में ट्रांसफर कर लिया, अब इसे साइड में रखते हैं हम। और ये जो बैटर हमने तैयार करके रखा था इसका भी 10 मिनट हो चुका है, हम देख लेते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। ये देखिए ये काफी थिक हो चुका है क्योंकि रवा जो होता है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें हमने जितना पानी डाला था वो एब्जॉर्ब कर चुका है। इसके साथ ही फ्रेंड इसमें मैं चीनी देना भूल गई थी, ये जब हमने इसमें दही ऐड किया था उसी समय दे देना चाहिए था, आप उसी टाइम दे दीजिएगा। ये 1 टीस्पून के करीब इसमें चीनी ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के नॉर्मल बैटर तैयार करेंगे, ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा थिक भी नहीं। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी रहनी चाहिए, ये परफेक्ट है। अब इसे हम 3 बॉल में ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए मैं 3 बॉल ले रही हूँ, तीनों अलग अलग कलर के ले रही हूँ क्योंकि अलग अलग कलर का इसे बनाना है, इसीलिए अब तीनों में हम सेम क्वांटिटी में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए ये है ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें हम 2 चम्मच हरी वाली चटनी डाल देंगे। इसे हम मिला लेंगे इस तरह से, अगर ये ग्रीन वाली चटनी थोड़ी कम लगे तो इसमें हम और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट, इसे हम साइड में रखते हैं। अब ये दूसरा वाला जो है इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी डालेंगे और फिर इसे हम मिला लेंगे। इसमें भी अगर कम लगे तो थोड़ा सा हल्दी हम और ऐड कर सकते हैं ताकि इसका कलर येलो हो जाए। ये देखिए ये भी परफेक्ट हो गया है, इसे भी हम साइड में रखते हैं।
और ये वाला ऐसे ही रहेगा व्हाइट, इसमें कोई कलर नहीं ऐड करना है। अब हम एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरह से बड़े मुंह वाला कढ़ाई हम चढ़ाएंगे पहले। इसके साथ ही इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और साथ ही ये वाला स्टैंड तो सबके घर में अवेलेबल होती है, ये वाला स्टैंड इस पे हम बिठा देंगे। ये देखिए ये अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें। अब इस तरफ हम इस तरह का बर्तन ले लेंगे या फिर टीन भी ले सकते हैं इसके जगह पे, जो भी आपको सही लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसे हम चारों तरफ इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद इसमें सबसे नीचे हम ये ग्रीन वाला रखेंगे बैटर। इसमें ट्रांसफर करने से पहले ये देखिए हाफ टी स्पून के करीब इनो है, ये सादा वाला इनो है, फ्लेवर वाला नहीं है। इसे डाल के इस तरह से मिला लेंगे हम। जब आप बर्तन में ट्रांसफर करने लगे तब आप ये इनो का इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा पहले नहीं, नहीं तो फिर ये काम नहीं ढंग से करेगा। और इसके बाद इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। अब इस तरह ये देखिए पानी उबल रहा है, इसमें हम इसे रख के और ढक्कन लगा देंगे। 4 से 5 मिनट तक इसे हम पहले ठीक होने देंगे इस बैटर को, उसके बाद दूसरा वाला हम इस पे डालेंगे। 7 से 8 मिनट जब हो जाए तो इस तरह से ढक्कन हटा के हम चेक कर लेंगे। और ये देखिए मैं नजदीक से दिखाती हूँ आपको, ये छूने से उंगली में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, यानी कि ये पूरा पानी सोख चुका है। इसके बाद जो दूसरा कलर है ये व्हाइट वाला, ये हम डाल देंगे इसमें। लेकिन डालने से पहले इसमें भी हम हाफ टी स्पून इनो ऐड करेंगे। ये देखिए इतना सा इसमें डाल देंगे और फिर तुरंत इसे मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद सेकंड लेयर इस पे हम बिठा देंगे। चारों साइड से इस तरह से फैला लेंगे हम और फिर से ढक्कन लगा के हम 7 से 8 मिनट तक इसे स्टीम होने देंगे। कुछ देर के बाद हम ढक्कन हटा के इस तरह से चेक कर लेंगे कि हमारा दूसरा लेयर अच्छे से स्टीम हुआ है कि नहीं। और ये देखिए छूने से उंगली में बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। और ये देखिए तीसरा लेयर देने से पहले इसमें हम इनो डाल देंगे और इस तरह से मिला लेंगे हम। इनो डालते ही इनो एक्टिव हो जाता है और इसके बाद इसके ऊपर हम आराम से तीसरा लेयर भी डाल देंगे। इसे हम फिर से ढक्कन लगा के 7 से 8 मिनट ढक देंगे, इसके बाद हम फिर एक बार चेक कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस करने में आपको आधा घंटा से ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए आराम से इसे करिएगा। 7 से 8 मिनट हो जाने के बाद इसे ढक्कन हटा के हम एक बार चेक कर लेते हैं। चाकू की मदद से या फिर इस तरह के चम्मच के पीछे डंडल की मदद से आप इस तरह से अंदर डाल के देखिएगा कि अगर बैटर लग रहा है यानी कि ये कुछ देर और पकेगा, या अगर नहीं ये साफ निकल रहा है यानी कि ये हो चुका है। तो इसमें देखिए ये अभी लग रहा है, थोड़ा और ये होगा। और ये देखिए फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुका है और ये देखिए ये पूरी तरह से पक चुका है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना इसमें। इसे हम इसमें से निकाल देते हैं, अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से हम ठंडा होने देते हैं, एकदम रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। उसके बाद इसे हम प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। एक चाकू की मदद से इस तरह से चारों साइड से हम थोड़ा सा घुमा के इस तरह से चारों साइड से निकाल लेंगे ताकि निकलने में आसानी हो। और ये देखिए फ्रेंड ये ठंडा हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इस तरह से पलट लेंगे, ऊपर से टैप करेंगे इस तरह से। और ये देखिए कितने आराम से ये निकल चुका है। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। ये तड़का पैन एक चढ़ा लेते हैं पहले, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे
ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद देखिए ये हाफ टी स्पून के करीब राई है ये डाल देंगे इसमें, साथ ही कड़ी पत्ता और ये एक सूखी मिर्च, सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से चटकने देते हैं हम कड़ी पत्ता को और राई को। इसके बाद देखिए ये आधा नींबू का रस है, इसमें एक चम्मच मैंने पानी मिला दिया है, इसे इसमें हम डाल देंगे। हाफ टी स्पून के करीब चीनी इसमें डालेंगे और हाफ टी स्पून से भी कम नमक, इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद इस जूस को चम्मच की मदद से हम इस पे डाल देंगे। और ये देखिए फ्रेंड हमारी मजेदार सी ढोकला बनके तैयार है। ये देखिए बहुत ही मजेदार लगती है, आप एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करते रहिए। अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखे फ्रेंड। ओके, थैंक यू।